तो ये है हमारा खूबसूरत सा सोलर सिस्टम जहाँ पे 8 प्लैनेट और न जाने कितने सारे मून हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ को एक साथ स्काई पे देख नहीं पाते अर्थ से। पर खुशखबरी की बात यह है कि मार्च 2023 में लगभग हम 5 प्लैनेट और मून को एक साथ देख पाएंगे। अगर आपने एक साथ नहीं देखा तो आइए हम लोग जानते हैं लाइव सोलर सिस्टम में कि हम लोग कैसे देख पाएंगे इन सारे चीज़ को। आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो नासा का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम सोलर सिस्टम को लाइव देख सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सैटेलाइट को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और अपने सोलर सिस्टम को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जानते हैं डिटेल में इन सब कंजक्शन के बारे में। वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। तो सबसे पहले चलते हैं सूरज के पास दर्शन करने। तो ये है काफ़ी ब्राइट अपना सूरज। अगर हम लोग शाम को देखेंगे, ये फोटो है जहाँ पे हम लोग एक साथ प्लैनेट और मून को देख सकते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो सनसेट के बाद हम लोग को दिखेगा मरकरी, जुपिटर और बगल में आयरिस और वीनस, यूरेनस, मून और मार्स। ये हम लोग को रात को दिखेगा। अब हम लोग सोलर सिस्टम में समझते हैं कि ये हम लोग को किस एंगल पे और कहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अर्थ के पास। ये हम आ गए अर्थ के पास और जैसे हमें पता है कि हम लोग को वेस्ट से ये प्लैनेट दिखना शुरू होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को दिखेगा मरकरी और जुपिटर। तो हम लोग ये आ गए अर्थ के पास और जो इंडिया का है ये रहा इंडिया और ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। तो इस फोटो के हिसाब से हमें वेस्ट में देखना है जहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखेगा मरकरी और जुपिटर। तो चलिए शुरू करते हैं वेस्ट में देखना। तो ये वेस्ट में हम लोग देखना अगर शुरू करें तो ये सनसेट हो रहा है और यहाँ पर आपको देखा होगा जुपिटर और मरकरी का कंजक्शन। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि हम लोग को एक बार अच्छे से दिखेगा। ये हमने वर्टिकल कर लिया, ठीक है। तो ये सनसेट होने के बाद सबसे पहले हम लोग को दिखेगा जुपिटर और मरकरी, ठीक है। फिर देखते हैं बगल में दिखेगा आयरिस। तो आयरिस क्या है? आयरिस 2005 में हमें एक प्लैनेट मिला था, काफ़ी छोटा है, प्लूटो के बराबर के आसपास, लेकिन मास में प्लूटो से 3 गुना ज़्यादा। लेकिन अब हमें कोई भी छोटे चीज़ को जो स्फीयर है प्लैनेट का नाम नहीं देते, उसका हम लोग नाम देते हैं डॉफ प्लैनेट। जैसे प्लूटो को हम लोग डॉफ प्लैनेट कह दिए, तो ये प्लैनेट नहीं है लेकिन स्फेरिकल में होता है। अगर इसकी फ़ोटो देखें तो ये नासा ने फोटो दिखाया था, ये ऐसा दिखता है डॉफ प्लैनेट। तो ये भी एक तरह का प्लैनेट हुआ लेकिन छोटा है काफ़ी। तो हमें दिख लिया आयरिस। इसके बाद हमें दिखेगा ऊपर वीनस और यूरेनस। तो हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो दिखेगा हमें वीनस और यूरेनस। फिर हम लोग इमेज थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो मून और मार्स हम लोग को दिखेगा। तो वेस्ट में थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो हमें दिखेगा मार्स और ये रहा मून। तो हम लोग को वेस्ट में दिखेगा, इस तरह दिखेगा हमें सारे प्लैनेट और मून। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम लोग को कैपस्टोन मिशन, आपने पिछले वीडियो देखा होगा अगर स्पेस स्टेशन वाला, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि कैपस्टोन मिशन का क्या चीज़ है, कि मून पे जब बनेगा स्पेस स्टेशन तो इस ऑर्बिट में रखा जाएगा, उस ऑर्बिट को चेक करने के लिए कैपस्टोन मिशन किया गया था। अब हम लोग अर्थ के पास चलते हैं क्योंकि अर्थ से हमें एक घर वाला सेटेलाइट दिखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रुके चलते हैं अर्थ के पास। तो पहले सोलर सिस्टम में चलते हैं फिर हम लोग अर्थ पे चलते हैं, ठीक है। ये हम लोग आ गए अर्थ पे। सबसे पहले ISS देख लेते हैं। ISS जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इधर से जा रहा है, और ये रहा हबल टेलीस्कोप, इसको हम देख सकते हैं। एक बार क्लिक करके देखते हैं, जूम करके, कि हमें डायरेक्ट दिख पाता है, दिखता है। वैसे ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, अगर आपको देखनी है लाइव सारी चीज़ें तो आप सर्च कर सकते हैं नासा लाइव सोलर सिस्टम, तो ये पूरी चीज़ दिख जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा वेटिंग आ रहा है। ओके, ये हमें सोलर सिस्टम मिल गया, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दे रखी है। ये रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये देखते हैं कहाँ पे है। वैसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफ़ी दूर है। अच्छा, ये मून से भी दूर है। ये रहा मून अपना, ये रहा कैपस्टोन मिशन ऐसे घूम रहा है जेम्स वेब स्पेस। चलें इसके पास चलें, चले चलते देखते हैं क्या हाल चाल है। ओके, तो ये रहा, ये इतनी बड़ी सील इसलिए लगाई क्योंकि हम लोग को सन से बचाना था,
क्योंकि जो इसके इंस्ट्रूमेंट है वो इंफ्रारेड पे काम करते हैं, काफ़ी कोल्ड पे, तो सन से बचाना, तो इसलिए ये ऐसा रखा गया है, तो ये शैडो में रहता है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो एक टेनिस फील्ड के बराबर है, तो काफ़ी बड़ा है। तो इस वेबसाइट पर हम लोग काफ़ी चीज़ देख सकते हैं। एक बार मरकरी चलते हैं, मरकरी कैसा है देख के आते हैं। ओके, ये रहा मरकरी। विनस, विनस, विनस भी देखा। ओके, बहुत ही खूबसूरत। तो ये थे, हम लोग समझ गए कि हाँ, वॉयजर 2, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग समझ गए कि हम लोग कैसे वेस्ट की तरफ ये सारे कंजक्शन देख सकते हैं, और ये 3D में लाइव कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।